फादर थे ग्रैंड फादर गलत नहीं नमस्कार आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व केंद्र मंत्री श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी का स्वागत करता हूं उसी के साथ में आज हमारे साथ में मेहमान हैं जो कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं श्री ब्रिज किशोर रवि जी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस हैं तमिलनाडु के तमिलनाडु केडर के, के बट मूल निवासी हैं बिहार के उसके साथ में हमारे ए आई सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस विनीत पुनिया जी हैं और तमाम मीडिया के मित्रों अभी ज्वाइनिंग के पहले कुछ डेटा हमारे सामने लगातार आते जा रहा है कई दिनों से आ रहा है लेकिन आजकल में भी जो है जो डेटा आया है और उसके मुकाबले में जो सरकार कर रही है वो सब आपके सामने है दस परसेंट जो है बेरोजगारी का डेटा सबके सामने आया है कुछ दिन पहले भी जो डेटा आया था वो पिछले पाँच साल या, या उसके द, पिछले दस साल में जो है ना सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहा है जो लगातार बढ़ते जा रहा है वो एक तरफ वो डेटा लगातार आ रहे जा रहा है आ, इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से भी आ रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से आ रहा है इंडिपेंडेंट एजेंसीज की तरफ से भी लगातार आते जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार एम्प्लॉयमेंट रोजा रोजगार मेला लगातार लगाते जा रही है ये हम लोग बार बार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों ने कहा है कि ये जो स्टंट और जो पी आर पॉलिटिक्स जो सरकार करती है इससे सिर्फ जो है वो चंद नौकरियां जो ऑलरेडी वेकेंसीस हैं जो सरकारी वेकेंसीज जो कई सालों से जो भरे हुए नहीं थे हमारे अपोजिशन की तरफ से बेरोजगारी वाला मुद्दा बार बार उठाने के बावजूद ये नए नौकरियां के बारे में कुछ कर नहीं रही थी लेकिन पुराने सैंक्शन नौकरियों के बारे में भी कुछ नहीं कर रही थी इस बीच में जब उनको लगा कि लोगों में भी युवाओं में भी ये मुद्दा बहुत फैल चुका है और जो खासकर बेरोजगार युवा बहुत परेशान है और इससे काफी हादसे भी देश भर में हुए हैं जब चल के उन्होंने ये मेला का स्टंट शुरू किया जो जो अवेलेबल वैकेंसीज हैं जो वैकेंसीज हैं उसमें कुछ कुछ वैकेंसीज को भरने का काम किया है अब वो जो जो जो, का, जो काम कर रहे हैं उससे ये युवाओं को युवाओं को जो मलहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके घाव जो हैं जो उनको नौकरियां नहीं मिल रहे हैं उस उसमें नमक छिड़कने का काम है लगातार कर रहे हैं ये जो तीस लाख के हम कह रहे थे कि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और तीन तीस लाख वैकेंसीज स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हैं ये साठ पैंसठ लाख वैकेंसीज जो हैं उसमें जो भरने का एक काम से सरकार नहीं कर रही है या भाजपा शासित स्टेट्स में भी जो नहीं हो रहा है तो उसके बारे में जो लगातार पार्लियामेंट में हम लोग ये बात उठा रहे थे तो मोदी जी की तरफ से ना कोई आ, आ, उसका रिप्लाई आता था ना केंद्र मंत्रियाँ जो वहाँ बैठा करते थे उनकी तरफ से भी कोई उसको जवाब उसको लेकर कोई जवाब आ नहीं रहा था बार बार आ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो या सरकार के स्पोक्स पर्सन हो या वित्त मंत्री खुद हो लगातार ये कहती थी, थी जो आंकड़े आ रहे हैं ये फर्स्ट हैं ये आंकड़े फे ये आंकड़े गलत आंकड़े हैं तो आखिरकार सही आंकड़े क्या हैं वो सरकार हमारे सामने ले क्या है तो ये अभी आ, जो जो ये नौकरियां नहीं दे रहे हैं इससे उन तबकों को खासकर एस टी एस जिनको रिजर्वेशन मिलता है जो अशोर्ड नौकरियां हैं जो गारंटीड नौकरियां हैं जो जिसके भरने से कम से कम उनको जो कुछ अश्योर्ड नौकरियां मिल सकते हैं सबसे ज्यादा मार उन पर पड़ता है ये बात हम लोग लगातार उठाते आए हैं लेकिन सरकार कुछ इससे कर नहीं रही है इससे बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई कितनी बढ़ रही है गरीबी कितनी बढ़ रही है तमाम लोगों के सामने हैं ये पांच राज्यों में इस, मु, इस मुद्दे को हम लोग लगातार उठाने की कोशिश करेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जयराम रमेश जी अपने ट्वीट द्वारा जो हम लोग इसको हाईलाइट करने की कोशिश किए हैं ये मुद्दे हमारे सामने हैं इसको हम लोग एड्रेस आने वाले दिनों में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे मैं बिना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हुए हमारे साथ में किशोर रवि जी हैं जो आई ऑफिसर हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तमिलनाडु में रहे बिहार के मूल निवासी हैं ये लगातार अपने आ, अपने अच्छे काम काज से जो है इनको इंटरनेशनल लेवल लेवल में कई मेडल्स इनको मिले हैं यूनाइटेड नेशंस का मेडल 1998 में मिला फॉरेन सर्विसेज मेडल 1999 में मिला और एग्जाम्पलरी सर्विस इनकी तमिलनाडु में रही है उसके साथ साथ में ये अपने फाउंडेशन के द्वारा गरीबों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आदिवासियों के लिए काफ़ी काम काम किए हैं सर्विस में रहते हुए भी, भी अपने फाउंडेशन को बिहार में आगे बढ़ाते रहे हैं इनके फादर आ, लेट तुलमोहन राम जी स्वर्गीय तुलमोहन राम राम जी जो है लोकसभा के एमपी रहे 1962 से 1977 तक और 1957 से 62 तक एमएलए रहे हैं कांग्रेस पार्टी से हो रहे हैं कांग्रेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं ये आ, आ, आई होने के बाद में इनका वहाँ पे था आ, पोस्टिंग तमिलनाडु में था उसके बाद में कई इंटरनेशनल पोस्टिंग्स में गए हैं यू एन पीस कीपिंग फोर्स जो बोस्निया में सिविल वॉर के टाइम पे हुआ था 98-99 में वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सर्विस इन्होंने दी है आ, तीस तैंतीस साल की पुलिस सर्विस में इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस विजिलेंस किया है टी के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस रहे हैं और फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के रहे हैं कई इंपॉर्टेंट पोजिशन में रहे हैं आज आ, आ अपने पोजीशन से अपने जॉब से इस्तीफा दे के बिहार की जनता को और देश की जनता को सर्व करने के लिए उसकी सेवा करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कल तमिलना कल तेलंगाना में बीजेपी के बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन विवेक वेंकट स्वामी जो है कल हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हैं पिछले एक महीने से लगातार तेलंगाना में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अलग अलग पार्टियों से ज्वाइन कर रहे हैं दो दिन पहले बीएसपी के दो एम राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। ये पूरे देश भर में कांग्रेस की जो लहर चल रही है हिमाचल और कर्नाटका की जीत के बाद भारत जोड़ो यात्रा के एक ज़बरदस्त जो सक्सेस रहा भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद में जो देश भर में जो बदलाव आ रहा है जो सियासी फिजा लगातार बदलती जा रही है जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आते जा रहे हैं जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स हमारे सामने आते जा रहे हैं इससे बहुत सारे लोग प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये सिर्फ पांच राज्यों में ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी मुझे लगता है कि ये अच्छे संकेत हमारे लिए हैं आज मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं श्री ब्रज किशोर रवि जी को कांग्रेस पार्टी में वेलकम करता हूँ हमारे बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी वो कांग्रेस का फ्लैग उनके गले में डाल के उनको इन्वाइट करें ये वेलकम करेंगे मित्रों ऐसे तो विस्तार से नासिर साहब ने आज के इस ईशू की प्रासंगिकता को आपके सामने रखा है मैं बिहार कांग्रेस के तरफ से बी के रवि जी का हृदय से स्वागत करता हूं और जैसा कि नासिर साहब ने बताया इनके पिताजी भी लगातार कांग्रेस पार्टी से एमएलए रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन में इनका परिवार सक्रिय रहा था तीन तीन बार लोकसभा के मेंबर हुए तो स्वाभाविक तौर से इनका पहले से भी विचारधारा कांग्रेस का रहा है राहुल जी के पदयात्रा के बाद से लगातार ये नौकरी छोड़ना चाहते थे हम लोगों से संपर्क में थे और इनकी इच्छा थी कि मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर सकूं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बिहार में और मजबूती से स्थापित कर सकूं तो इसलिए मैं इनका अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं। मेरा रोल आज इतना ही भर था कि इनका पार्टी में स्वागत किया जाए बाकी विस्तार से नासिर साहब ने अपनी बातों को रखा है आप सबों को मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ तो बिना हड़बड़ाए हुए पूछिए ना हाँ सीपीआई का सम्मेलन था और हमने भी सुना है उनका भाषण और वो लगातार कहते हैं उनकी सीएम की उत्कट उत्कंठा ये है कि जल्दी से जल्दी मोदी सरकार को हटाया जाए लेकिन वो तो समय पर ही हटेंगे जब चुनाव होगा और उनका कहने का लब्बोलबाव यही था कि कांग्रेस सभी राज्यों के चुनाव में व्यस्त है उसके बाद कांग्रेस पार्टी फिर से बुलाएगी और इंडिया गठबंधन का उसके पहले भी सदाकत आश्रम में लालू जी आए थे उन्होंने भी घोषणा किया था वहाँ से कि इंडिया गठबंधन का पहला सबसे बड़ा रैली हम लोग पटना के गांधी मैदान में, में करेंगे मुख्यमंत्री जी का भी भाषण और उसका लब्बोलवाब यही था कि और एक्टिव होके और प्रोएक्टिव होके हम लोग जो इतने सारे दल इंडिया गठबंधन के रूप में इकट्ठा हुए हैं सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को अपदस्त किया जाए तो इसमें कोई खराब बात नहीं है और मैं ये मानता हूँ कि राज्य से ही न देश बनता है इंडिया बनता है चाहे भारत बनता है तो पांच राज्य भी महत्वपूर्ण हैं मुख्यमंत्री जी और कोई नई बात तो कहे नहीं नहीं रैली तो सब जगह होगी लेकिन अब जब चुनाव का घोषणा हो गया तो इसका फैसला आ, मैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के जिम्मे तो है नहीं उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है और ये उत्तर ज़्यादा आप नासिर साहब से पूछते तो उचित होता इसका निश्चित उत्तर भी आपको इन्हीं से मिलेगा मैं बिहार का अध्यक्ष हूँ और बिहार की बात आपको बता सकता हूँ इसी इशू पे अगर कोई और क्वेश्चन है तो वही पूछ लीजिए मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मुद्दे पे थी हम उससे भटके मात तो इसी मुद्दे पे आपका जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए देखो तो पहली बात समाजवादी पा नीतीश कुमार जी का नीतीश कुमार जी का जो बयान था उसको लेके अखिलेश भाई ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी है उसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं इतना ही कहूँगा देखिए इंडिया अलायंस ऑल इंडिया लेवल पे है इंडिया अलायंस में कुछ एक्शन प्लान्स भी हैं एक्शन प्लान्स इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे ये पांच चुनाव पांच राज्यों में जो चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है जैसे ही अनाउंस हो गया तो हम लोग एक्टिव हुए हैं और पांचों स्टेट में कांग्रेस पार्टी वर्सेस दूसरे हैं वहाँ पे कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीआरएस कांग्रेस पार्टी वर्सेस रीजनल पार्टीज इन मिज़ोरम तो हम लोग हर जगह हर जगह हम लोग ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और जितने भी अभी तक सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं हम लोग को लीड दे रहे हैं सारी जगह हम सरकार फॉर्म करने वाले हैं तो हम लोग मजबूती सी और सीरियसली वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उसके साथ साथ और ये भी हम लोगों को दिमाग में बात रखना चाहिए कि ये छः महीने 2025 के छः महीने पहले ये चुनाव हो रहा है तो इसको सीरियसली लेना चाहिए एक दूसरा जो है इंडिया अलायंस का जो लास्ट मीटिंग हुई थी मुंबई में उसमें एक्शन प्लान थोड़ा बनाया गया था उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स भी हुई थी वो एक्शन प्लान बरकरार है जैसे ही यहाँ फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगे इस चुनाव के तो हम लोग वो एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे वो एक वो दूसरा अखिलेश जहाँ अखिलेश यादव जी की बात है हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने यह ऐसा कहा है और दूसरी बात अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर सीट शेयरिंग होना चाहिए किस लेवल पे होना चाहिए कैसा बातचीत होना चाहिए इसको लेकर मुंबई मीटिंग में बातचीत हुई थी किसी स्टेट पर से कोई डिस्कशन कहीं अब, अब तक नहीं हुआ जब वो बातचीत होगी पांच चुनाव पांच राज्यों में चुनाव होने के बाद में जब पांच, जब हो जब वो बातचीत स्टार्ट होगी स्टेट स्पेसिफिक सीट शेयरिंग की बातचीत होगी उसमें बातें आएंगे किसको क्या सीट मिलेगा वो आपको बताया जाएगा दूसरा तीसरी बात अरविंद केजरीवाल की के वही है हमारा अलायंस इंडिया अलायंस ऑल इंडिया लेवल पे है और 2024 के इलेक्शन के लिए है स्टेट स्पेसिफिक हम अलायंसेस किसी से हम लोगों ने किए नहीं थे लेकिन आपस में तालमेल है जो बातचीत अभी भी अब जैसे फॉर इंस्टेंस तेलंगाना और राजस्थान में पहले से भी हम लोग लेफ्ट पार्टी के साथ थोड़ा बहुत अलायंस हमारा था वहाँ पर अभी भी गुंजाइश और बातचीत चल रही है अब वो वो उस लेवल पे हो गया बट India Alliance is mainly for 2024 Alliance.